अगला मिशन परिवार नियोजन। जी हाँ, ये एक सवाल जैसा है क्योंकि तीन तलाक, धारा 370 और फिर CAA, और अब क्या नया मिशन परिवार नियोजन होने वाला है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मोहन भागवत ने बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई है। RSS का अगला एजेंडा भी बढ़ती जनसंख्या को बताया है, तो क्या इस दिशा में सरकार अब कदम उठाने वाली है। नमस्कार, इसी सवाल के साथ दिन की सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं, श्वेता भट्टाचार्य। आज बढ़ती जनसंख्या पर बहस करेंगे और उन बयानों को भी याद करेंगे जब RSS के ही नामी गिरामी हस्तियां, ध्यान दीजिएगा, यहां मैं किसी का नाम नहीं ले रही लेकिन उनके नाम, बहुत हस्तियों के नाम इसमें शामिल हैं, वो ये कहते हैं कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। तो क्या परिवार नियोजन को लेकर कोई और भी सीक्रेट प्लान बन रहा है? इन सभी पहलुओं को जानेंगे, खंगालेंगे, अगले एक घंटे तक हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। संघ का अगला एजेंडा जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर देश भर में आंदोलन करना है। RSS हमेशा से दो बच्चों के समर्थन में रहा है। बढ़ती आबादी देश के विकास में रुकावट है। अब इस पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। सरकार को चाहिए कि इस पर कानून बनाए। मोहन भागवत के कहे इन शब्दों ने सियासत की एक नई जंग छेड़ दी। वैसे तो मुरादाबाद में भागवत प्रोग्राम के वक्त एक सभा को संबोधित कर रहे थे, इस बीच उन्होंने बढ़ती आबादी पर भागवत ने दो बच्चे पैदा करने की बात रखी। इसके साथ ही सियासी बयान आने शुरू हो गए, और सियासी बयान आए भी क्यों ना, भागवत की बात का BJP समर्थन जो करती नजर आई। मुझे खुशी है कि जनसंख्या, बढ़ती हुई आबादी को देख करके पूरा राष्ट्र आज सजग हो गया। माननीय मोहन भागवत जी का कथन 200% राष्ट्रहित में। लोगों को इस बात का एहसास कराना होगा कि जो बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट है वो समाज के लिए, उनके लिए, उनके परिवार के लिए बेहतर नहीं है। अब अगर इस दिशा में, जागरूकता की दिशा में, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की दिशा में काम होता है तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। भागवत के समर्थन में आए BJP के बयानों के बाद सियासी खेमे में चर्चा जोरों की हो गई। BJP ने समर्थन किया तो विपक्ष की तरफ से भी उनकी प्रतिक्रिया आने लगी। NCP नेता नवाब मलिक ने मोहन भागवत की जानकारी पर सवाल उठाए तो गिरिराज सिंह ने नवाब मलिक के बयानों को बेकार करार दिया। आई थिंक ही डजंट हैव नॉलेज रिगार्डिंग दिस इशू। देयर इज अ लॉ इन द महाराष्ट्र, नो वन हैव थर्ड चाइल्ड कैन कॉन्टेस्ट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्शंस, नो कैन गेट एनी रिक्रूटमेंट इन द गवर्नमेंट, मेनी गवर्नमेंट पॉलिसीज आर नॉट एलिजिबल फॉर देम। लोग इसे धर्म के चश्मे से ना देखें, वोट के चश्मे से ना देखें, और नवाब मलिक और जो पाठ पढ़ा रहे हैं मोहन भागवत को, मोहन भागवत को पाठ पढ़ाने का ज्ञान अभी 3 जन्म में लें। उनको अर्थशास्त्र का ज्ञान पढ़ना चाहिए, चाइना को देखना चाहिए, और ये समाज को स्वीकारना पड़ेगा। ये जोर जबरदस्ती का सवाल नहीं है। जब कानून होता है तो कानून सबको मानना पड़ता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून अब RSS के एजेंडे में है और विपक्ष से निशाने पर। इस बीच ये भी ध्यान रहे कि RSS के जुड़े कई लोग हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह देते आए हैं, तो देखने की बात ये है कि तीन तलाक, 370 और CAA के बाद क्या अब जनसंख्या कानून सरकार का अगला कदम होगा। और सोचने वाली बात ये भी कि RSS का एजेंडा सरकार के फैसलों पर कितना असर डालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अगला मिशन परिवार नियोजन, ये सवाल अब उठ रहा है क्योंकि RSS की तरफ से अब ये कहा गया है 2 child पॉलिसी पर जोर दिया जाए। तो अब लग रहा है कि क्या BJP का या सरकार का अगला मिशन परिवार नियोजन होने वाला है। तो कुछ सवाल R9TV के हैं। क्या CAA के बाद जनसंख्या कानून का नंबर है? जनसंख्या नियंत्रण से विपक्ष को दिक्कत क्या है? जनसंख्या बढ़ने से जुड़ी समस्या को विपक्ष क्यों नहीं समझ पा रहा है, या फिर विपक्ष की कुछ और आपत्तियां हैं, तो आज उस पर भी चर्चा कर लेंगे। मोहन भागवत के एजेंडे पर
क्या अब सरकार काम करेगी, ये बड़ा सवाल। देश को जनसंख्या से जुड़े कानून की कितनी जरूरत है, जरूरत है भी या नहीं, या जागरूकता की जरूरत है, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो ये सारे सवाल होंगे चर्चा में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज जनसंख्या से जुड़े कानून की हमारे देश में जरूरत है और जरूरत से ज्यादा जागरूकता की बात करेंगे। पैनलिस्ट जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, चलिए इंट्रोडक्शन उनका करवा देती हूँ आपसे। बीजेपी के लीडर कैप्टन आई सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, कांग्रेस के लीडर मनोज तिवारी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, यति नरसिम्हानंद हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, विष्णु विनोदम रामसेना के अध्यक्ष हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, फजील अहमद मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, अब्दुल हमीद नौमानी जो कि हमारे साथ स्काइप से जुड़ेंगे थोड़ी देर में, संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, रमेश ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, और दीपक शंखधर संघ विचारक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी तमाम गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी कैप्टन आई आपसे, क्योंकि मोहन भागवत का बयान है, जाना तो दीपक शंखधर के पास चाहिए था लेकिन पता चल गया कि संघ की सोच क्या है, तो आप जवाब दे दीजिए, क्या सरकार का अब अगला मिशन यही होने वाला है? अब मोहन भागवत जो कह रहे हैं कि अगला मिशन हमारा ये है, तो समझा जाए मोहन भागवत की वाणी अब सरकार भी बोलेगी। श्वेता जी, जरूरत तो इस कानून की देश को बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आज जनसंख्या हमारे यहाँ इतनी ज्यादा हो चुकी है कि देश में जितने संसाधन हैं वो कम पड़ते जा रहे हैं, तो अगर जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण नहीं करेंगे तो ये आता ही रहेगा कि ऐसा हम रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, हर चीज जो है ना हमारे इन दोनों पर तो आपने काम किया नहीं सर। रोजगार और महंगाई पर अगर मैं सवाल पूछ दूं तो फिर वही होगा कि पूरे दूसरे कंट्रीज से आप एग्जाम्पल देने लगेंगे कि मंदी का दौर हर जगह चल रहा है, रोजगार और महंगाई को कम करने के लिए कुछ कदम उठाए होते फिर आप ये बात कोट कर रहे होते तो मैं मानती, सीमित संसाधन है मैं मानती, लेकिन रोजगार क्या सर, आपने खुद टॉपिक छेड़ दिया। नहीं नहीं श्वेता जी, ऐसा नहीं है, इनसे टॉपिक छेड़ दो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है, रोजगार है अपनी जगह चल रहे हैं, कहां मगर जनसंख्या भी नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगर हमारे यहाँ संसाधन 10 लोगों के हैं और हम 100 लोग कर देंगे तो 100 लोग कर दें, 100 लोग आगे आ जाएंगे तो हम कहां से उनकी व्यवस्था हम कहां से करेंगे, तो जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है, आज आवश्यकता है, समय की मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। कानून की जरूरत क्या है? चीन में कानून की जरूरत क्या है? विश्व की सबसे ज्यादा है और फिर भी मैं आऊंगी, विष्णु विनोदम जी आऊंगी, मैं कह रही हूँ कि कानून की आवश्यकता क्या है, जागरूकता लाने की जरूरत है, खुद इंसान ये सोचे कि अगर वो 2 बच्चे या 3 बच्चे रखेंगे तो रोजगार तो हम लोग देख रहे सर हालत क्या है, महंगाई क्या है, एक औरत से बेहतर कोई नहीं जानता, रसोई चलाते हैं तो हमें पता है कि टमाटर और प्याज के भाव क्या है, तो फिर तो हमें खुद सोच लेना चाहिए कि हमें 1 बच्चा रखना है 2 बच्चा रखना है कि 3 बच्चा, अब ये सरकार बताएगी हमें। श्वेता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने तो अभी विचार किया है इस पे, और कांग्रेस तो इस पे इंदिरा गांधी के टाइम कर चुकी थी, उन्होंने तो स्थिति ये बनाई थी कि लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती जो है ना नसबंदी के उसमें धकेला था, उन्होंने तो इतना आप भी यही करेंगे, हम ऐसा करने वाले लोग नहीं है, हम जो भी करेंगे नियम अनुसार करेंगे, उन्होंने तो यह किया था कि जिनकी शादी नहीं हुई थी उनको भी पकड़ पकड़ के जो है ना उनकी नसबंदी कराई गई थी। मनोज जी, तो हम वो कांग्रेसी लोग नहीं है, हम जो करेंगे नियम करेंगे, देश के हित में देखते हुए करेंगे, और सियासी पार्टी है तो सियासत भी करेंगे, टॉपिक कोई भी हो। मनोज जी जवाब दीजिए, पकड़ पकड़ कर नसबंदी याद है? एक चीज मैं आपको बताता हूँ, नवाब मलिक ने तो कोर्ट भी कर दिया है सर। आपका मुद्दा जो है बहुत ही सेंसिटिव है और मैं चाह रहा था कि इस पे बहुत अच्छे तरीके से डिबेट हो, आप हैं तो मुझे लगता है डिबेट होगा। बुनियादी मुद्दों से भटकाती सरकार बिल्कुल जुमला की जरूरत महसूस होती है। मनोज जी पहले ये बताइए, पहले एक क्लियर कर दीजिए, पता तो चल जाए पक्ष क्या है, जनता को तो पता चले क्या लगता है कि जरूरत है कि नहीं है सर, आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है। आता हूं श्वेता, नहीं पहले सिंह पहले एक लाइन में जवाब दीजिए ना सर, जरूरत है या नहीं है, फिर आप जवाब दे दीजिए। आज के तारीख में इस तरीके की कानून की आवश्यकता तब तक नहीं है जब तक उस कानून के संदर्भ में लोगों में जागरूकता नहीं फैलाई जाएगी, और हमारा मुद्दा वही है और हम उसी पर बात करेंगे। मुझे लगता है मेरा पक्ष जो है यही है कि सरकार बगैर बुनियादी आवश्यकताओं को समझे हुए और इस कानून के लाने से लोगों में क्या फर्क पड़ेगा, इसकी बगैर जमीनी जानकारी के एक नया जुमला फेंक देती है।
का जला है, मैं वही बता रहा हूं, जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मेरे साथी ने कहा, तो इसलिए क्या आप पुराना जो अतीत रहा है उससे आप सीख लेके बीजेपी को ये अच्छी राय दे रहे हैं? नहीं श्वेता जी, मैं उनको राय ही दे रहा हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है, इनको पहले जानकारी होनी चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण का कानून जो है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, फैमिली प्लानिंग 1952 में लाया गया था, और 1952 के बाद स्टरलाइजेशन प्रोसेस, जिस पर ये इंदिरा गांधी की बात कर रहे थे, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के समझ से परे है। स्टरलाइजेशन प्रोसेस जो था 1974 में लाया गया था, यह दुनिया को ध्यान में रखते उसके परिपेक्ष में लाया गया था। ये बात इनके समझ में नहीं आएगी। अगर ये बात इनके समझ में आई होती तो मैं बताता हूं, वेंकट चेल्लैया का जो प्रावधान आया था और जो रिपोर्ट था उसका ये विरोध नहीं करते। इनको बहुत सारी चीजों की जानकारी ही नहीं है। अब ये बोल रहे विरोध किसको करना है, मैं तो टॉपिक लेकर क्या हूं, एक एक टॉपिक पर आपसे बात करूंगा। मैं आपको बताता हूं वेंकट चेल्लैया का क्या रिपोर्ट था, और वेंकट चेल्लैया पर ये लोग कह रहे हैं 8.5 लाख आशा के लोग कार्यरत है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कानून लाने के पहले परिवार नियोजन के संबंध में विगत 13 वर्ष इनकी सरकार रही है, 13 वर्ष का ये डाटा मैं इनसे पूछूंगा। और मैं कांग्रेस का डाटा बताऊंगा कि कांग्रेस ने कितनी संजीदगी से काम किया है और उस पर परिवर्तन क्या हुआ है, इस पर भी मैं इनसे बात करूंगा। नहीं तो आप चाहते क्या, आप ये क्लियर कीजिए ना सवाल। मैं बता तो रहा हूं, मैंने बताया, आपने कहा कि होना चाहिए लेकिन कानून बनाने के, देखिए दरअसल क्या है, भारतीय जनता पार्टी को अपने तो कुछ करना नहीं है। श्वेता जी, संघ का एक विचार आ गया, ये है कि हम करें वो तो ठीक है, आप करो वो गलत है। कैप्टन साहब, इनकी सोच ये है, आपने आज से 25 साल पहले किया तब अच्छा था, तब जरूरत थी। अरे मैंने उसका प्रश्न पूछा है कैप्टन साहब, आप देखिए गलत बता रहे हैं, तार्किक बात करिए, हमने तो तार्किक बात करिए। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, आपने इंदिरा गांधी पर पूछ दिया और मैंने उसी पर आपसे सवाल पूछ दिया, आपके पास जवाब नहीं है, उन्हीं की कर डाली। अरे वो नहीं करेंगे कैप्टन साहब, नियम से करेंगे, तरीके से करेंगे। देखिए पिच में बोलिएगा तो जवाब नहीं मिलेगा, मैं तर्क के आधार पर आपसे पूछ रहा हूँ। आप मुझे बताइए, इंदिरा गांधी पर आपने चर्चा किया नसबंदी पर, स्टरलाइजेशन प्रोसेस के पक्ष में है कि नहीं है? मैं पीएन भागवत पर बाद में आऊंगा, पहले बताइए इंदिरा गांधी पर प्रश्न पूछा, बताइए स्टरलाइजेशन प्रोसेस क्या है, क्लियर कीजिए कैप्टन आई, बताइए मुझे क्या है, स्टरलाइजेशन प्रोसेस के पक्ष में है कि नहीं, भागवत जी के बयान के पक्ष में? आप मेरा आप जो हमने पूछा है आप इसका बताएं कि आपको ऐसी उसका क्या जरूरत पड़ी, आपको भागने नहीं दूंगा यार, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आज मैं आपको किसी पॉइंट पर भागने नहीं दूंगा। नहीं हम आपको देखिए 52 से लेकर 2019 तक देखिए, उस वक्त जो जरूरत महसूस की गई आज वो जरूरत बन चुकी है, इसीलिए विष्णु विनोदन जवाब सुनिए। नहीं नहीं मनोज जी ले लेती हूँ, मैं सबसे कमेंट ले लेती हूँ, लेकिन आपने बड़ा इंटरेस्टिंग आज आपने पहले ये क्लियर कर दिया कि जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत तो है, कानून बनाने से पहले जागरूकता होनी चाहिए, ये आपका ग्राउंड है ना सर। बाद में मैं आऊंगा, बाद में आती हूँ इंदिरा गांधी के बयान पर भी, लेकिन विरोध करने के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, विष्णु विनोदम कुछ एड ऑन करना चाह रहे थे, चाइना का जिक्र कर रहे थे विष्णु विनोदम, आप अपनी राय रखिए, आऊंगी कैप्टन आई आपके पास, आऊंगी कानून बनाने से पहले एक बार देश में माहौल भी तो बन जाए, पक्ष में माहौल भी तो बन जाए, लोगों में जागरूकता तो हो सर, पहले पता तो चले ये पॉलिसी जरूरत क्यों है। अगर आप बात करते केवल हमारा अर्बनाइजेशन में, आप बात कीजिएगा तो अलग बात, कानून लेके आ गए विष्णु विनोदम, और देश में बदलाव हो जाना चाहिए। और मैं ये पूछता हूँ, ये कानून बहुत पहले था, क्या मानते हैं विष्णु विनोदम, आप क्या मानते हैं, आप चाइना का जिक्र कर रहे थे लेकिन हम दूसरी कंट्री को क्यों देखें, हम पहले अपनी कंट्री की बात क्यों ना करें? बिल्कुल हम अपनी कंट्री की बात करेंगे, लेकिन जब ये बात आती है कि जनसंख्या बढ़ने से देश की वृद्धि और देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कमजोर हो रही है, ऐसा कहीं से कहीं नहीं है, उसका चाइना बहुत अच्छा आपके सामने ही है कि चाइना इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी इतने अच्छे तरीके से वृद्धि कर रही है, तो इसमें कहीं से भी कहीं तक। लेकिन जब हम कुदरत की बात करते हैं तो कुदरत का काम कुदरत को बैलेंस करने को देना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है कि ये अपने तरीके से नियम बनाएंगे। जी क्या कुदरत कैसे बैलेंस करेगी? कुदरत ही करती है बैलेंस, आप देखिए ना जितना वो पैदा करती है उतना ही वो मार भी रही है। ठीक है, तो ये दो दो कानून नहीं बनना चाहिए, नहीं कोई कानून नहीं होना चाहिए, ये कानून कहाँ है,
एक किसी के लिए तो दो पे आपने सीमित कर दिया। नहीं, मुझे अपना पॉइंट क्लियर नहीं, किसके लिए, किसके लिए, जी जी, किसके लिए दो सीमित कर दिए, किसके लिए, किसके लिए दो सीमित कर दिए, किसके लिए दो सीमित, आप पैदा कर रहे हो, किसने बना दिया, पैदा करें, किसने बना दिया, आप शायद जवाब देना चाह रहे हैं। श्वेता जी, श्वेता जी, मनोज जी आती हूँ, एक बार कमेंट तो ले लेने जी, सबसे मैं ले लूँ, एक बार राय तो पता चले, सबकी राय तो पता चले, चलिए प्लीज 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 बंद कर चुकी है, आज हमारे किसान उस फर्टिलाइजर का प्रयोग करके अन्न उपजा रहे हैं ताकि सबके लिए अन्न हो जाए। ये एक कमाल की बात है कि हम इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। आज हर चौथे नागरिक को इस देश में कैंसर हो रहा है और उसका कारण सारी दुनिया जानती है कि वे फर्टिलाइजर्स हैं जो हम गेहूं या अन्न उपजाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। हमारे पास सड़कें नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारा पानी खत्म होने वाला है, हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो इतनी प्रदूषित है, इतनी प्रदूषित है कि सभ्य दुनिया का, अब आप कह रहे हैं कि दूसरे देशों की बात नहीं करनी, तो मेरी समझ में नहीं आता कि फिर हम डिबेट पर बैठे क्यों हैं। नहीं नहीं, दूसरे देशों के एग्जांपल देने से पहले हम देखेंगे तो अपने देश में, श्वेता जी सुनिए, हम अपने घर में नहीं झांकेंगे, दूसरे के घर में झांकते रहेंगे। अरे दूसरे से कंपैरिजन नहीं करोगे तो आपको पता क्या चलेगा कि दुनिया कहां चली गई। सर पहले ना अपने अंदर झांकने की जरूरत है, पहले आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। अगर मुझे पॉलिसी, मैं सरकार के कानून को बाद में समझूंगी, पहले अपने घर की जरूरत को समझूंगी। कि आप भी कुतर्कों में शामिल नहीं, मैं कुतर्कों में शामिल नहीं हूँ। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए, दुनिया के दूसरे देशों से आइए, बिल्कुल आइए, बिल्कुल आई है, नहीं बिल्कुल आई है, लेकिन देखिए आज हमारे हमें आप पहले हमें आप एक आम नागरिक की तरह जीने का अधिकार है, हमें देखना पड़ेगा कि दूसरे देशों में लोग किस तरह से रह रहे हैं और हम किस तरह से। पहले अपने घर को तो साफ कर लीजिए। अरे अपने घर को तभी तो साफ करेंगे। आप कहना क्या चाह रहे हैं, अपना पक्ष क्लियर कीजिए, जिस चीन की बात क्लियर कीजिए, आप पक्ष क्लियर कीजिए। नहीं, आपको ना तो आपको समझ रही है कुछ, आपको पता है डिबेट क्या, आप केवल लड़वाना जानती हैं और केवल कुतर्क कर रही हैं। इस टाइम सबसे ज्यादा सबसे पहले सुनिए, आप देखिए आप इस तरह से नहीं कर सकती। अगर कंपैरिजन किया जा रहा है तो कंपैरिजन किया जाएगा, चाइना से भी किया जाएगा, अमेरिका से भी किया जाएगा, यूरोप से भी किया जाएगा। आप अपना पक्ष रखिए ना, आप क्या सोच रहे हैं, तो सुनिए तो सही, आप सुन कह रही है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि दुनिया के अंदर जो दवाइयां पूरी दुनिया में बंद हो चुकी हैं, हमारे लोग उन दवाइयों को खाने में अभिशप्त हैं, हम मेडिकल फैसिलिटी किसी को नहीं दे पा रहे, हमारी शिक्षा एक तरह से चरमरा चुकी है और उसका केवल एक कारण है कि केवल यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो देश के निर्माण के लिए एक या दो बच्चा कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो देश पर कब्जा करने के लिए 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं और वो दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। केवल मेरे लिए खतरा नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है और पूरी दुनिया के टारगेट पर भारतवर्ष केवल उन्हीं के कारण आ चुका है। और आज भी लोग इतने सेंसिटिव इशू पर, मैं तो धन्यवाद देता हूं संजय गांधी जी को और श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, उन्होंने पकड़ पकड़ कर नसबंदी नहीं की थी, ये करप्ट सिस्टम था, लेकिन वो लोग विजनरी थे, उन लोगों ने देख लिया था कि ये देश बर्बाद होने वाला है। और जहां तक मोहन भागवत की बात है, मोहन भागवत से पहले प्रधानमंत्री 15 अगस्त को कह चुके हैं लाल किले की प्राचीर से कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए यहां कानून बनना चाहिए। आप होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं क्योंकि सीमित संसाधन है, चीजें घट रही हैं और उस चीज को देखते हुए। और चीन ने प्रोग्रेस तब की जब चीन ने अपनी जनसंख्या पर लगाम लगाई। जब तक चीन ने अपनी जनसंख्या पर लगाम नहीं लगाई थी, चीन सबसे पिछड़े हुए देशों में से एक था और चीन के पास हमसे 3 गुनी ज्यादा जमीन है। होना चाहिए, आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल होना चाहिए। संजीव कौशिक जी, कितने सहमत हैं? कुछ बातों पे मुझे आपत्ति है नरसिम्हानंद के, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रखा, हालांकि ये बात अपने अपने विजन पर भी है कि टू चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मोहन भागवत के बोल देने से क्या सरकार के एजेंडे में ये चीज और जानी चाहिए या जागरूकता की जरूरत है? बोल चुके हैं संजीव कौशिक। देश में सीमित जल जंगल साधन संसाधन जो है वो बहुत ही सीमित है। निश्चित तौर पर बढ़ती हुई जनसंख्या एक तरह से हमारे लिए प्रश्न है और ये समस्या है, इस पे लगाम लगाने की जरूरत है, लेकिन कैसे लगाम लगाएंगे जी? आप हमें ये बताएं, जैसे कि अभी महाराज जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि 100 रोगों की एक दवा हो, आपने जनसंख्या पर कंट्रोल कर लिया और खास करके
उस आबादी की तरफ जिधर वो ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, सारे समस्याओं के जड़ में वही है। आप खुल के कहिए उन्हीं लोगों के लिए कानून बनवा लीजिए। नहीं, उनके लिए आप चाहते हैं तो आप अर्थ का अनर्थ मत करिए संजीव जी। आप समझ ही नहीं रहे, आप केवल मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात होने दीजिए, पूरी होने दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि 100 रोगों की एक दवा है, हम आपसे एक छोटी सी बात हम आपको आपके सामने रखना चाहते हैं। झारखंड के यदि रुखसार नामक किसी लड़की के गोद में यदि 8 महीने का कोई बच्चा है जिसका वो गला दबा देती है सिर्फ इस वजह से कि समय पे उसको खाना और दूध नहीं दे पाती है, गरीबी के वजह से, उसका पति यदि मुंबई में कमा रहा होता है वो तलाक भी नहीं देता है, वहां से पैसा नहीं भेजता है, कोई काम नहीं होने की वजह से वो यहां से पलायन कर जाता है, आप हमें बताइए कि उसके ऊपर कानून ये लगा के क्या कर लेंगे आप, उसका क्या उखाड़ लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे उसका? एक का नहीं कर सकते। अगर आप एक का एग्जांपल लेके, उसके बहुत सारे ऐसे लोग हैं कौशिक जी जिन्होंने अपने आप जैसे बच्चा पैदा किया है, जो लाखों रुपए कमाते हैं लेकिन एक बच्चा पैदा करते हैं। उसके पास 8 बच्चे हो या 11 बच्चे हो, आप ढूंढ के लाते हैं। सब कोई करे, वो लाखों रुपए कमाते हैं लेकिन बच्चा एक पैदा करते हैं। क्या हम ऐसे कोई भी इंसान अपनी राय रख रहे तो वो कुतर्क कर रहे हैं, कहना बिल्कुल गलत है। हमारी सोच और समझ क्या इतनी विकसित हो गई है, हम आर्थिक रूप से इतने मजबूत हो गए हैं कि हम इस मुद्दे पे बात करें? आज भी आप गांव में जाएंगे जिसके पास, मैं आपको अपने गांव का उदाहरण बता रहा हूं, एक छोटा सा चाय बनाने वाला आदमी, 5 बच्चे थे उसके, बचपन में पांचों को बहुत मुश्किल से पाला, 10वीं का क्लास पास करने के बाद में पांचों पलायन कर गए और मेरे गांव में सबसे मजबूत घर उसी का है। अब आप बताइए कि 5 बच्चे उसके लिए प्लस हुए या माइनस हो गए? मतलब कानून बना देने से आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा। आप सभी कोशिश आप ये कहना चाहिए देश की बात चल रही है, आप समझिए परिवार की बात चल रही है कि देश की बात चल रही है, सारे नहीं हो सकते ये कानून, ये व्यक्तिगत किसी परिवार की बात चल रही है या देश की बात चल रही है? हम चाइना में नहीं है, हिंदुस्तान में है। हम चाइना में नहीं है, हिंदुस्तान में है। आप तय नहीं कर सकते कि हम कितने बच्चे पैदा करेंगे। ये कानून तय नहीं कर रहा, ये कानून यहाँ नहीं नहीं अभी कोर्ट करूंगी ना सर, कितने लोगों ने क्या क्या बोला है, 5 बच्चे 4 बच्चे 3 बच्चे, मतलब आप लोग डिसाइड करेंगे किसे कितना बच्चा पैदा करना है। राकेश सिन्हा ने भाषा बोला था, राकेश सिन्हा ने क्या कहा था, स्पष्ट रूप से कहा था कि 1:7 का जो अनुपात है वो नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। कानून लाने की बात करेंगे तो देश में विस्फोट होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल धर्म के चश्मे से 2 चाइल्ड पॉलिसी को देखना कहां तक सही है, क्यों भारत में 2 चाइल्ड पॉलिसी को धर्म के चश्मों से जोड़कर देखा जाता है, जो अभी भी यहां देखने को मिल रहा है? देखिए, 2 चाइल्ड पॉलिसी धर्म के चश्मे से नहीं देखते कोई भी, ये आज से नहीं, 30-35 साल से देश में एक जागरूकता अभियान कांग्रेस के जमाने से भी चला। देखिए, सरकार का काम ये नहीं होता है कि किसी की जीवन पर हस्तक्षेप करना, सरकार काम व्यवस्था चलाना होता है। यदि कोई लड़का, हम तो कह रहे लालू यादव को 13 बच्चे हैं, सब सड़क पर हैं, कोई भूखा मर रहा है क्या? और मुसलमान भी नहीं है तो लालू यादव जाहिल भी नहीं है, पढ़े लिखे हैं, दोनों ही लोग पढ़े लिखे हैं, सारे बच्चे भी पढ़ लिख लिए और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन गए। सवाल इस बात का नहीं है, परिवार अब जितने परख निली शिशु की अस्पताल खोलें सबको बंद करा दीजिए, जिसको भगवान ने नहीं पुत्र दे रहा है तो अच्छा है कि एक बच्चा कम तो हुआ। तो आप किसी के निजी जीवन पर, आप सरकार का काम ये नहीं होता है कि हमारे सांस लेने पर प्रतिबंध लगा दीजिए। अब मोहन भागवत जी तो 2 साल से चिल्ला रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दो, खत्म हो गया क्या आरक्षण? मोहन भागवत के कहने से देश नहीं चलेगा, ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा, जो संविधान बना है देश में वो उससे चलेगा। मोहन भागवत क्या है, संविधान संवैधानिक रूप से कोई अधिकार है क्या उनको? वो तो कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दो, खत्म हो गया आरक्षण क्या? उनके कहने से कुछ चिल्लाने की जरूरत नहीं है। सरकार का कोई भी काम देखिए गाँव में कैसे होता जी, गाँव का सिस्टम से, देश हमारा कृषि प्रधान देश है, पहले अस्पताल नहीं होते थे, लोगों की एक भावना थी कि हमारे 4 बच्चे होंगे तो 2 मर जाएंगे, पक्का ही हर आदमी के दिमाग में होता था कि 2 मर जाएंगे, 3 अब मरते भी थे, 5 बच्चे 8 बच्चे जनते थे, 2 बचते के शिकार होते थे, इसलिए वो लोग दाम्पत्य, सुन लीजिए आप, सुनिए सुन लीजिए, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, मैं आप ही का, तो ये एक मन में एक मन तक कहते थे कि एक आंख का, एक आंख नहीं और एक बच्चा नहीं,
तो वो कहते थे कि 5 बच्चा पैदा करो तो 3 बचेंगे, उसके बाद 2 लड़कियां हो जाएंगी, तो आप ही ने कहा कि पितृदान कौन, लड़की तो करेगी नहीं, तो बेटा की ख्वाहिश होगी, 4 बेटी है तो 5वां बेटा आपने कर लिया, बेटा के चाहत में फिर 5वां बेटी कर लिया, तो आप उसको रोक सकते हैं क्या? आप ही कहते हैं कि पिंडदान बेटी नहीं कर सकती, आप ही कहते हैं, मुसलमान तो नहीं कहता, और आप जब बेटा की चाहत में, बेटा की चाहत में 8-8 बच्चे हो गए, तो कुल मिला के ये कहना है कि हमारी निजी जिंदगी पर, निजी जीवन पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है दुनिया में कहीं, निजी जिंदगी पर आप तो खाएंगे नहीं कंट्रोल, देखिए उसके लिए एक कांग्रेस पार्टी इतने साल से जन जागरण चला, हम दो हमारे दो, और ट्रक पे लिखा रहता है हम दो हमारे दो, टंकी खाली डीजल दो, तमाम इस तरह के स्लोगन दे करके हर ये टंकी खाली डीजल दो, कौन है जो अशिक्षित समाज है, जो अशिक्षित समाज है उसको जागरूक करने के लिए मुहावरों के शक्ल में तमाम सरकारी योजनाएं चला रही हैं। आप एकदम से सांस लेना बंद कर दीजिए साहब, उनकी लैंग्वेज में, उनके ले लैंग्वेज में, उनके भाषा में, आप एक बात को अगर वो झूठ है या सही है, और ये कहा भी जाता है कि आप कई बार एक बात को अगर बोलते रहे तो लोग सुनते सुनते भी उस चीज को ले लेते हैं कि शायद यही बात सही है। दीपक नहीं चलने दिए, 4 महीने कह रहे हैं कि मोहन भागवत के कहने से सरकार चलेगी क्या, और मोहन भागवत के 2 बयान आपको बता दूं, फिर आप जवाब दीजिएगा, 22 अगस्त 2016, एक मिनट दीपक शंकर, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ, 2016 22 अगस्त मोहन भागवत ने कहा था, किसने हिंदुओं को रोका है, उन्हें भी ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, कोई ऐसा कानून नहीं है जो हिंदुओं को रोकता है, जब मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं तो हिंदुओं को भी करना चाहिए, और अब आप 2 चाइल्ड पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ये किसका दोहरा चरित्र दिख रहा है दीपक शंकर? फजील अहमद जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपके सवाल का भी जवाब देंगे, पहले फजील अहमद जी को ये बता देना, पहले मेरे सवाल जो आरक्षण संबंधी आपने बात नहीं की, आरक्षण छोड़िए, मैं बताना चाहता हूँ, उसको समझ लीजिए, केवल 10 वर्ष के लिए था, और आप सुनिए, आज बुरा क्यों लगेगा, पहले बुरा क्यों लगेगा, आपको बुरा नहीं लगता, आपको आरक्षण संबंधी है, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, सुनिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ऐसे में डिबेट चले दूंगी, आप बात सुनिए, ये जो जवाब दीजिए, ये कोई नियंत्रण नहीं है, 2 बच्चों का जो कानून है ये नियंत्रण नहीं है, ये प्लानिंग है, अरे सुनिए, ये प्लानिंग है, कब बना कानून, ये ह्यूमन मैनेजमेंट, अरे कब बना कानून, ये ह्यूमन प्रोडक्शन की प्लानिंग है, कई बच्चे हैं आपके, नहीं नहीं, ये कैसे कितने बच्चे हैं बताइए, जी आप एक कैसी प्लानिंग है, दीपक शंकर ये पता होना चाहिए, कितने बच्चे हैं बताइए, दीपक शंकर जस्ट जस्टिफाई, अरे आप बताइए आप कब बच्चे हैं, नो अपनी अर्थव्यवस्था, अरे आप अपने बारे में बताइए कि आप कितने बच्चे हैं, अपनी जीवन को ठीक करना पसंद, एक मिनट, आ रही हूं, पहले आ रही हूं, दीपक शंकर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, 22 अगस्त 2016 मोहन भागवत कुछ और कहते हैं, आज कुछ और कहते हैं, दोहरा चरित्र क्यों, ये दोहरा चरित्र नहीं है, ये देश काल परिस्थिति के अनुसार देश की मांग, 2016-2019 में ये फर्क हो गया सर, 2016-19 में ये फर्क हो गया, संघ समाज के अनुसार चलता है, नहीं नहीं, संगठित समाज की कल्पना करता है, मतलब संघ डिसाइड करेगा, संघ डिसाइड करेगा सर, आप डिसाइड करेंगे, हमने कहा आप डिसाइड करेंगे, नहीं आप तो कह रहे हैं मिशन यही है, आप जागरूकता है, जागरूकता है, आप जबरदस्ती करेंगे क्या, किसी साहब फजील जी बताएंगे क्या, फजील जी नहीं बताएंगे, लेकिन हमें डिसाइड करने का हक, आपकी अपनी क्रांति होगी, संघ की क्रांति होगी, हम भी देश की नागरिक है, हमारी अपनी क्रांति है, हम अपनी क्रांति से काम करेंगे, हमारी अपनी क्रांति है, कैन यू जस्टिफाई दीपक शंकर, नहीं जस्टिफाई कर रहे हैं, गणेश ठाकुर हम चाहते, चलिए रहने दीजिए, आपके बच्चे नहीं पैदा हो रहे तो हम जिम्मेदार हैं क्या उसके लिए, आपके बच्चे नहीं पैदा हो रहे तो हम जिम्मेदार हैं, आप हमको नहीं पैदा करने देंगे क्या, फजील जी बेचारे को एक मिनट, एक ऑर्गेनाइज मैनर में हो, प्लीज जवाब नहीं करें दीपक शंकर, प्लीज दीपक शंकर प्लीज एक मिनट, दीपक शंकर और फजील अहमद मैं सवाल लू ऐसे डिबेट आगे चलेगी, ऐसे डिबेट आगे चलेगी श्वेता जी, ऐसे डिबेट आगे चलेगी, नो दीपक शंकर, आप अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मैं आगे बढ़ जवाब ले लीजिए, नहीं शांति तरीके से आपने मुझे, दिस इज माय जॉब, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपने 2 स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं किया, बहुत टाइम, आपने दो
दो सकारात्मक प्लान है, ये सकारात्मक प्लान हो गया 2016 से, देश को बनाने का प्लान है। रमेश ठाकुर चलिए, आपका सकारात्मक प्लान है रमेश ठाकुर, सुना सकारात्मक प्लान इनका। ये सर मुझे ये आपत्ति इस बात पर है कि क्या अब मोहन भागवत डिसाइड करेंगे या कोई चर्चा नहीं कर सकते क्या, धर्मगुरु डिसाइड करेंगे देश में चर्चा? अरे आप चर्चा कहां करने दे रहे हैं, आप चर्चा देने करने कहां दे रहे हैं? इस देश का हो गया आपका टाइम, आप हो गया उनकी बात नहीं। रमेश ठाकुर बस, आई वोंट अलाउ दीपक सरकार, आपको टाइम वेस्ट नहीं करने दूंगा, नहीं नो नहीं, नो श्वेता जी नो, नॉट अ डायनेस्टी किंगडम, ये आपका किंगडम है, ये जनतांत्रिक है, ये लोगों की सरकार है, कहां दे रहे हैं यहां लोगों को अपनी बात कहां दे रहे हैं? रमेश ठाकुर अपनी बात, रमेश ठाकुर लोगों की बात सुनी जा रही है, उसको तर्क करने का अधिकार है, अरे भाई बिन सवाल का जवाब देने का अधिकार है, बस बस बिन बच्चों बस 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 सर सर बस मैं बोल रही हूं, बस मैं कमेंट ले लूं सबसे, अगर गेस्ट मैंने बिठाए हैं तो जनता को समझने दीजिए टॉपिक क्या है और सबकी राय क्या है। आप लोग अगर कोई गेस्ट अपनी बात रख रहा है, कोई उसे कुतर्क कह रहा है, कोई कुछ बोल रहा है बीच में, दीपक शंकर प्लीज करने का प्रयास मत कीजिए जिससे एग्रेशन आए, नहीं एग्रेशन, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, फजील अहमद को जवाब दे रहा है, भाई बुरा सुनेंगे आप, आप और सुनेंगे आप, आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए, आप थोप नहीं सकते किसी को, बस हो गया, आप किसी को थोप नहीं सकते, आपने दे दिया स्टेटमेंट, आपका विचार आपके लिए है, ये एक प्लान है देश को एक साथ चलाने का, आपका प्लान आप कॉपी मत, देश को तोड़ने का प्लान नहीं है, फजील अहमद घर पे चलाइए ना, ऐसा कीजिए सब गेस्ट को काट दे, दीपक शंकर को काट दीजिए, ये बोलते रहेंगे और जनता को सुनने दीजिए, ये चाहते हैं कि सिर्फ इनकी बात ही लोग सुने, बाकी कुछ दूसरों की आवाज नहीं, चलिए आप बोलते रहिए, आप कंटिन्यू आप कितनी देर बोल सकते हैं, नहीं मैं बैठ सकती हूँ, आप बोलिए आप बोलिए आप बोलते रहिए, आप कंटिन्यू बोलिए सर, आप कंटिन्यू बोलिए, नहीं मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं करूंगी, मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं करूंगी, नहीं अगर मैं ऐसे कंटिन्यू, आप ही बोलिए आप ही बोलिए, नहीं कंटिन्यू यू कंटिन्यू, अगर आपको लगता है आप सही कर रहे हैं यू कंटिन्यू, यू कंटिन्यू, मैं क्या कह रहा हूं, कंटिन्यू मैं ये कह रहा हूं कि ये कंस्ट्रक्टिव काम है, तभी आप बोल रहे हैं, ऐसा संरचनात्मक कार्य होना चाहिए, आप अगर सार्केज्म भी नहीं समझ सकते हैं तो आपकी सोच के लिए सोचिए, आपकी सोच पे मुझे अस्पताल आप बोलने देंगे, अगर गैस चलाओ प्रेम नहीं है, लोगों को मरने के लिए छोड़ दे, गरीबों को मरने के लिए छोड़ रहे हैं, अस्पताल बनाने की औकात नहीं है, इनकी सोच है, इनके अस्पताल बनाने की औकात नहीं है, हो गया इट इज अ कंस्ट्रक्टिव प्लान, अस्पताल बनाना कंस्ट्रक्टिव काम नहीं है, एम्स में 200 लोग रोज मरते हैं, बस फजील बिना अस्पताल भर्ती में मर जाते हैं, और लोग भी हैं कम से कम इस बात प्लीज, रमेश ठाकुर रमेश ठाकुर ये जो कहना है आरएसएस का कंस्ट्रक्टिव प्लान, मैंने सिर्फ छोटा सा सवाल पूछा था, 2016 का बयान और अभी का बयान, और ऐसे कई फहरिस्त मेरे सामने हैं जहां मैं बता दूंगी, साध्वी प्राचीन ने 5 बच्चे पैदा करने की बात कही थी, एक देश को दो, एक सीमा को दो, एक ये दो, मेरा कहना यह है क्या इसके लिए जागरूकता नहीं होनी चाहिए, कानून की जरूरत क्यों पड़े, और अगर पड़े तो जस्टिफाई कीजिए, पहले लोगों को जागरूक कीजिए, पक्ष में माहौल बनाइए फिर लाइए, अगर लोगों लोग कहते हैं, अगर आपको लगता है कि अब वो माहौल बन चुका है देश में इस तरह विरोध करने के लिए, तो कोई कानून मत ले आइए कि लोगों को लगे कि आप उनकी पर्सनल लाइफ में घुस रहे हैं। नहीं बिल्कुल, जब पल्स पोलियो अभियान की जब उदय हुआ था भारत के अंदर, तो उस समय भ्रम की स्थिति फैलाई गई थी, अल्पसंख्यक ये कहते थे कि हम इसको अपनाएंगे नहीं क्योंकि इससे बीमारियां फैलेंगी, इस तरह की बातें होती रही थी, लेकिन उसका असर क्या हुआ सबने देखा, विकलांगता अगर देखी जाए जो बहुत बड़ी समस्या थी, आज खत्म हो गई पूरी तरीके से, मुझे लग रहा कोई चीज़ जब हम लोग एडमिट करते हैं जो बड़ी जो डिजीज होती है उसको डायग्नोस करने के लिए उसको समझ नहीं पाते हम लोग, महाराज जी ने बहुत अच्छी बात उठाई थी, हम समझ नहीं पाए लेकिन उनकी बातों को दूसरी तरीके से हम लोग ले गए, बाकी लोग जब बहस शुरू होती है कोई नतीजे पे नहीं जाती है, इधर उधर भटक जाती है, मोहन भागवत जी ने जो भी कहा है आप उनको एक सामान्य आदमी समझ के उनकी बात का चिंतन करो, जब एक गुंडा कोई भी पूरे देश का उसके बातों पे डिबेट बैठ जाती है, उसके बातों पे हंगामा कट जाता, कम से कम वो तो बहुत बड़ा संगठन चलाते हैं ना, उनकी बात को समझो, पहली बात जो मुद्दा है सबसे बड़ा, ये मुद्दा विकराल रूप ले चुका है, कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके घर में इतने लोग हों जो उनके घर की जो व्यवस्था है वो खंडित हो जाए, मैं कह रहा हूँ आज का डेट चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सब पढ़े लिखे हो गए, उनको पता है कितनी चीज़ों में हमारा घर चल पाएगा, कितनी चीज़ों पे हम खुश रह पाएंगे,
मुसलमान को सिर्फ भड़काया जाता है। इस मुद्दे को लेके सीधे के सीधे तौर पे श्वेता जी मुसलमान से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, 10 साल पहले थोड़ा सा हम पीछे जाएं, जब हम दो हमारे दो का जब नारा लगा था, एक स्लोगन शुरू हुआ था सरकार की तरफ से, तो मुझे लग रहा कुछ लोगों ने इस नारे के तहत इसको बढ़िया तरीके से एडमिट करा। अगर एक आंकड़ा देखा जाए, हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लड़ने की जरूरत नहीं है, हिंदुओं ने इस चीज को अपनाया। कम से कम 7% उस समय जनसंख्या नियंत्रण इतना हुआ, लेकिन मुसलमानों ने नहीं अपनाया। मुसलमान ना हिंदू, मैं किसी उन पे नहीं आ रहा हूं, या ना हिंदू है ना कोई मुसलमान है, मैं सिर्फ इंसानियत की बात, मैं सिर्फ इंसानियत की बात। किया सर्वे? सर्वे हम थोड़ी करेंगे, आपने करा होगा, आप बता दो सर्वे है, आप देख लो, आपने देखो 13% अल्पसंख्यकों की जनसंख्या बढ़ी, और जो 10 सालों में जो जनसंख्या बढ़ी है वो कम से कम पूरे जगत में, पूरे संसार में सबसे ज्यादा अगर अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ी है वो भारत है। आप देख लो, आप देख लो, आप देख लो, मैं वही कर रहा हूँ, मैं हल्की भाषा करता हूँ, मैं हल्की भाषा करता हूँ, दारुल उलूम के प्रवक्ता की जो दारुल उलूम देवबंद दुनिया में जिहाद की सबसे बड़ी एजेंसी है, जिसके बारे में 35 बार अमेरिका को बंद करा दे रहे हैं। सुन लो, वो गलत है, उसको बंद कराइए ना, सुन भी लो। देखिए, मैं अलाउ तो नहीं करूंगी सर, लेकिन आपको अगर कोट करना है, कोट कीजिए। मैंने जब तक वो सुना नहीं है तो मैं अलाउ नहीं कर सकती, लेकिन आप कोट कर सकते हैं। आप सुनिए, प्रवक्ता ने कहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं और 20 साल का टारगेट करके इस देश को दारुल इस्लाम बनाना। अभी दे रहा हूँ आपको, अभी देखिए ना, अभी उन्हीं की बात चला के दिखाइए। यति नरसिम्हानंद जी, हम देश की बात कर रहे हैं, आपने कहा था ना, हम देश की बात नहीं है, लेकिन अभी जो ये बात आपने बोला, मैंने बोलने दिया। अब एक सर, आपने जब बोला तो मैं भी कोट कर दूं जो इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आई हूं। 2016-22 की बात तो मैंने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की बता ही दी। राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय ने कहा था, हिंदू परिवारों को सोसाइटी में, हिंदू धर्म बचाने के लिए हर हिंदू महिला कम से कम 4 बच्चे पैदा करे। व्हाट इज दिस? दोनों में है, आपने रखा और इस प्लेटफॉर्म पे ये बात उठनी चाहिए कि दो हर धर्म में, हर धर्म में, मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे, तो मैं वही तो आ रही हूँ, हर धर्म में इसमें एक अंतर है। देखिए सर, समझना होगा इससे ना, इससे अगर सोसाइटी को बचाना है ना, तो पहले जागरूकता जरूरी है कि आप समझिए कि आपके धर्म में भी साक्षी महाराज कह रहे हैं, कहने का मतलब अफसोस की बात है कि राष्ट्रपिता के नाम पर भी क्या बात है, वो देश को नहीं मानता।
मनोज तिवारी एक बात बताइए आप मनोज जी कि क्या विपक्ष को आपत्ति किस बात पर है? आप साथ भी हैं, आप कह भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी काम भी करती आई है, तो फिर आपत्ति क्यों? कानून बनना चाहिए, अगर बनना नहीं चाहिए तो आप जो माहौल पैदा करने के बाद, ये माहौल कैसे पैदा होगा? और अब तो वक्त आ गया है सर कि अब तो कुछ तो एक सख्त कदम उठाना चाहिए, एटलीस्ट कि दूर दराज के इलाकों में भी ये बात जाए। और स्टेट्स ने उठाया है, कई जगह सरकारी नौकरियां दो बच्चे से ज्यादा है तो नहीं मिलती है, इस तरीके से भी बहुत सारे स्टेट है सर, मैं गिनवा दूंगा, तो ये तो सकारात्मक, हाँ सकारात्मक कदम है ना, इसका तो सपोर्ट करना चाहिए। एक बच्चे वाले को इनाम भी तो दीजिए श्वेता जी, आपके तो दो बच्चे हैं ना सर, श्वेता जी आपको नहीं मिलेगा कार्ड, इनाम नहीं मिलेगा, आप चलिए आगे ले लो कमेंट। चलिए मनोज जी, श्वेता जी आपसे निवेदन है, सारे पैनलिस्ट से मेरा निवेदन है कि मैं आज कम पिच में बोल रहा हूँ, प्लीज आप, मैं बिल्कुल डाटे के साथ बोल रहा हूँ। TFR क्या है देखिए सुनिए, दूसरे के बारे में मैं एक बोलिए देखिए श्वेता जी, आपने कहा कि मोहन भागवत जी का जो बयान है उससे हमारी हम इत्तफाक रखते हैं कि नहीं, मैंने बोला कि बिल्कुल नहीं रखते हैं। एक मिनट, प्रताप सारंगी केंद्रीय मंत्री इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सारंगी साहब क्या कहेंगे, ये अब जो मोहन भागवत ने बयान दे दिया है इसके बाद अब लग रहा है कि सरकार का ये मिशन होने वाला है, लेकिन कैसे ये कानून लाएंगे सर? जब तक माहौल ना बने देश में, फिर ऐसा ना हो कि भ्रम फैलाया जाए और सरकार इसी को दूर करने में लगी रहे। हेलो, हाँ जी सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो, ये क्या क्या मोहन जी ने क्या बोला? मोहन भागवत ने अब टू चाइल्ड पॉलिसी की बात कही है, हालांकि मोहन भागवत पहले कहते आए हैं कि ज्यादा बच्चे हिंदुओं को पैदा करना चाहिए, अब सरकार का मिशन क्या टू चाइल्ड पॉलिसी पे होने वाला है अगला मिशन? क्या मोहन भागवत जी का क्या बयान है? मुरादाबाद में मोहन भागवत ने कहा है सर कि अब जो है कानून बनना चाहिए दो बच्चों को लेकर, कि दो बच्चे से ज्यादा ना हो, लेकिन इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, अब उससे पलट गए हैं, तो क्या सरकार का अगला कदम माना जाए कि अब 370 तीन तलाक CAA के बाद अब परिवार नियोजन अगला मिशन? इस विषय में मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी अपना स्वाधीनता दिवस की भाषण में भी संकेत किए हैं, इसलिए सरकार भी इस दिशा में जा सकते हैं। कैसे जाएंगे सर? राष्ट्र का विस्फोरण की स्थिति आ गई है, इसलिए इसको नियंत्रण करना जरूरी हो गया है। तो सर इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है या माहौल बनाने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, क्या लगता है सर? सिर्फ माहौल बनाने से भी नहीं होगा, माहौल भी बनाना चाहिए जन जागृति के लिए, कानून भी हो सकता है। कानून बनाएंगे? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, कानून बनाना ये क्या मेरा जिम्मेदारी है, कानून बनाने का निर्णय तो वो तो एजेंडे में है, मोहन भागवत कह रहे हैं एजेंडे में, डंके की चोट पर कह रहे हैं एजेंडे में है, तो इसका मतलब सरकार का अगला कदम यही होने वाला है। 15 लाख रुपए मोहन भागवत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य है, वही तो पूछ रहे हैं कब मिलेगा, सरकार का अंग नहीं है। 15 लाख रुपया भी तो एजेंडे में था, जो बोले है देश के हित में बोले है, सरकार देश के कितने हित में है ये देश की जनता डिसाइड करेगी। केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने पक्ष रखा यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये गलत भी नहीं होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं, तो इस ओर इस दिशा में भी काम होगा ये उम्मीद तो की जा रही है, लेकिन मोहन भागवत का जब बयान आ जाता है तो लगता है कि अब अगला टारगेट शायद ये हो। मनोज तिवारी, मैंने आपको, मनोज जी माफ कीजिएगा, आपको मैंने बीच में रोक दिया था, शॉर्ट में बताइए सर, क्योंकि रिएक्शन और से भी लेने हैं। देखिए आप रिएक्शन लेते रहिए कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो प्रश्न उठाया मैं उस पर बुनियादी तौर पर बता रहा हूं कि टोटल जो है फर्टिलिटी रेट उसमें हिंदुस्तान में बहुत बड़ी कमी आई है, हाँ, और इन चीजों की जानकारी बगैर मोहन भागवत को मुझे लगता है कि नहीं है, तभी उन्होंने कानून की बात करी। मैं उस पर आपको आता हूँ, मैं बता रहा हूँ, 1.8 पहुंच गई है, नहीं नहीं 1.8 जो है वो महिलाओं की जो फर्टिलिटी रेट है वो कुछ राज्यों में है जी, बेसिकली जो है वो 2.1 है जी, और मुस्लिम महिलाओं में 2.4 है जी। एक बात, दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ, जो हिंदू मुसलमान की ये बात हो रही है मैं उस पर एक चीज आपको बताता हूँ, जो ये मामला था 28 लाख लोगों की सैंपलिंग की गई थी, 28 लाख लोगों में 15 लाख जो महिलाएं हैं
उन पर उनके प्रजनन क्षमता जो थी उनको दो से ज्यादा बच्चों की थी, मतलब दो से ज्यादा बच्चा उन्होंने जना, तो ये 15 लाख बच्चों महिलाएं जो थी उसमें सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं थी, उसमें हिंदू महिलाएं भी थी। इसलिए ये कहा गया कि जब फर्टिलिटी रेट को कम करने की बात होगी तो जनसंख्या पर नियंत्रण होगा, यही वेंकट चिल्लैया का रिपोर्ट था। और उस वेंकट चिल्लैया की रिपोर्ट में मेरा ऑब्जेक्शन मोहन भागवत जी के बयान पर इस वजह से है कि सरकार को 13 वर्ष मौका मिला है और 13 वर्ष का डाटा बता रहा है हिंदुस्तान का, उस जितने दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है इन लोगों ने उस पर कोई वर्क नहीं किया है। उसका सबसे बड़ा मैं उदाहरण आपको बताता हूं, 35 प्राइवेट जो है प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया गया है संसद में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी यहां बैठे हुए हैं, ये लोग सिर्फ कानून और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। 35 प्राइवेट बिल लोकसभा की सदन पर लाया गया है, आज तक इस सरकार ने एक बिल पर भी चर्चा नहीं करवाई है, एक बिल पर भी चर्चा नहीं करवाई। जवाब दीजिए। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और भी बताता हूं, एक मामला आया था अभी जो है प्रजनन दर की आप जो बात कर रही थी, हिंदू और मुसलमान दोनों बच्चों दोनों के लोगों में जो कंपैरिजन ये सरकार करके किसी खास वर्ग को टारगेट करने का प्रयास कर रही है, इनको यह जानकारी होनी चाहिए, 92 और 93 में 33.6% था प्रजनन क्षमता और 30 वर्षों में घटकर 23.8% हो गया है, यानी कि इसके पहले जो सरकार कांग्रेस की थी पूरी संजीदगी के साथ इस पर परिवार नियोजन पर और चाइल्ड बर्थ रेट कंट्रोल पर काम की है, लेकिन 13 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के सरकार का ही डाटा है कि ये कंप्लीट फेल है। मनोज जी आंकड़े बिल्कुल गलत दे रहे हैं, मैं अगर आंकड़े गलत होंगे तो मैं उठ के चला जाऊंगा, उठ के चला जाऊंगा। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, अरे आपके पास डाटा नहीं है, घबराइए मत, आजकल तो सरकारी साइट पर भी आंकड़े नहीं मिलते, घबराइए मत, मेरे पास डाटा है, मैं आपको क्रॉनिकली बोल सकता हूँ, बोलिए, शुरू करूँ आपको 1952 से लेके 2019 तक का डाटा बोल सकता हूँ, आप गलत मत बोलिए, आपको ये आप बताइए 79 अमेंडमेंट क्या है, आप बोलिए 79 अमेंडमेंट, आपको क्या राजनीति नजर आ रही है, रमेश ठाकुर आज इस चर्चा में मान जाऊंगा, रमेश ठाकुर क्या राजनीति नजर आ रही है, आई कैप्टन साहब, कैप्टन साहब नहीं, एक मिनट सर, मेरा सवाल कैप्टन साहब से है, मनोज जी, मनोज जी, आप आंकड़ों पर 79 अमेंडमेंट, और आपने क्यों आपने विरोध किया था, विरोध किया था आपने, गलत बोलिए, अरे मुझे जब मैं कह रहा हूँ ऑथेंटिकली बोल रहा हूँ, आप राज्यसभा के सदन पर आंकड़ा बिल्कुल सही है, अगर इसी आंकड़े में जो अभी श्वेता जी कह रहे राजनीति कहां नजर आती है, प्रताप सारंगी जी के अभी आपने उन फोनों पे ली था, मैं इंटरव्यू कर रहा था इसी मुद्दे पे, मैंने यति महाराज जी का भी इंटरव्यू लिया था, इनमें जो आंकड़ा जो पेश किया गया ना सरकार को इसी पे दिक्कत है, मौजूदा सरकार को, इन्होंने कहा जो आंकड़े की जो वृद्धि हुई है ना इसमें एक वर्ग है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक वर्ग है और दूसरा वर्ग बिल्कुल पीछे हट गया है, लड़ाई इसी पे है, मोहन भागवत की जो चिंता है इसी पे है, मैं बता रहा हूँ श्वेता जी यहाँ 10 लोगों को इकट्ठा कर लो, 10 जाहिल और 10 बुद्धिजीवी, 10 बुद्धिजीवी से पूछो कि ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, वो हाँ करेंगे, और 2-10 जाहिल होंगे वो हाथ उठा देंगे नहीं बनना चाहिए, इस डिबेट का रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। हर पढ़ा लिखा इंसान ये चाहेगा कि कानून बने, हर एक इंसान चाहेगा, क्या आप रावण हो गए, एक मिनट
मिनट सिर्फ एक मिनट रमेश ठाकुर एक मिनट सवाल एक और है उसके बाद संजीव जी के पास आऊंगी तब आप जवाब दीजिएगा। 10 जाहिल 10 बुद्धिजीवी की आप बात कर रहे ना सर, वो 10 जाहिल जो होंगे ना वो भी इस देश की जनता होंगे, तो प्लीज डोंट क्वेश्चन। वो जनता भी वोट करती है, आप पढ़े लिखे वर्गों के लिए कानून नहीं बनाते हैं, संजीव कौशिक तालियां बहुत बज गई, लेकिन प्लीज जो 10 जाहिलों की बात कर रहे ना सर, ये 60% से ज्यादा आबादी ना गांव में रहती है, उनको जब तक पक्ष में नहीं लेंगे ना सर कानून कभी सफल नहीं होगा। संजीव देश के लाल किले से प्रधानमंत्री यदि इस बारे में चर्चा करते हैं और वो भी कन्नी काटते हुए चर्चा करते हैं कि ये सोचने वाले, पूरी बात सुनिए पहले, कहा उन्होंने कानून, अरे कानून बनाने की बात करी, सुन तो लीजिए यदि उनके जेहन में कहीं भी नहीं सुनेंगे, क्लियर कहा हमने नहीं सुना है, पूरी बात तो सुनिए, क्या तोड़ है, उन्होंने कहा कानून बनाने की बात की, उन्होंने कानून बनाने की बात की, यदि कर लेते तो क्या कर लेते आप, यदि जेहन में बात होती वो बोलते कि नहीं बोलते, उनके जेहन में ये बात नहीं थी, उनको पता था, कैप्शन आई आऊंगी जब आपके पास आती हूँ, आपके पास जवाब नहीं होता है। संजीव कौशिक मनोज जी मैंने आपको रख दिया, एक मिनट, क्या हो रहा है, शर्म आनी चाहिए यहाँ बैठे सभी माननीयों को, प्लीज एक सर रिक्वेस्ट, वजीर अहमद ये क्या है, ये डिबेट है क्या, क्या आप डिबेट में बैठे, आप लोग माननीयों को शर्म नहीं आती, कैप्शन आई कुलदीप सर, कैन यू हियर मी वजीर अहमद, कैन यू हियर मी, एम आई ऑडिबल और नॉट, एम आई ऑडिबल और नॉट, मेरी जरूरत आप लोगों को महसूस होती है कि नहीं, सवालों का जवाब नहीं देना, गोल गोल जलेबी की तरह बातें घुमाते रहने, संजीव कौशिक अगर अपनी बात रख रहे कैप्टन आए आपको आपत्ति है आप बाद में बोले, लेकिन हर को राइट है अपनी बात रखने का, ऐसे आवाज नहीं दबा सकते आप, हैव पेशेंस, बिल्कुल एक ही बोलना चाहिए, एक ही बोलना, संजीव कौशिक मैं सिर्फ ये कह रहा था कि देश के प्रधानमंत्री यदि इस बारे में कोई इशारा करते हैं, यदि जेहन में कहीं भी कानून लाने की बात होती वो स्पष्ट बोलते कि इस पर भी हमारी प्लानिंग चल रही है, हम कानून लाएंगे, उन्होंने कहा कि ये विचारणीय प्रश्न है, ध्यान देना चाहिए, और छोटा, और उन्होंने ये भी कहा कि जो छोटा परिवार रखता है निश्चित रूप से देश की तरक्की में उसका योगदान है और वो देश के लिए कुछ काम, यानी कहीं ना कहीं माहौल बनाने की जरूरत है ताकि सब को लेकर चले, वो 10 बुद्धिजीवी और 10 जाहिल ये सात बातें कहें कि हमें इस चीज की जरूरत है, शायद कानून की जरूरत ही ना पड़े, आज कानून बहुत बने हैं सर रेप को लेकर, लेकिन फिर भी क्या कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, रुक रहा है, विष्णु विनोदम आप बहुत नहीं आती हूँ, विष्णु विनोदम मेरा सवाल ये है कि जब मोहन भागवत आज टू चाइल्ड पॉलिसी की बात करते हैं, लेकिन सर देखिए ये धर्म के चश्मे से इसे देखा जा रहा है, बल्कि आज ये जरूरत है, विष्णु विनोद नहीं सर ये बात भी, ये सवाल भी गलत नहीं है, ये गलत नहीं है आज आप, ये बात सही है, आज आप किसी भी हिंदू परिवार में पूछ लीजिए ना सर, तो वो जरूर ये बात कह देंगे कि वो टू चाइल्ड क्या सिंगल चाइल्ड पॉलिसी चाहते हैं, वो अपने यहाँ सिंगल चाइल्ड रख भी रहे हैं, उन्हें सरकार के कानून बनाने की जरूरत नहीं है, हम जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा सिंगल चाइल्ड ही बहुत है, लेकिन अब कैसे देखिए हमारा भारत जो देश है ये खूबसूरती भी है विडंबना भी है कि हमारी आबादी जो है ना सर मिली जुली और ये बहुत खूबसूरती है भारत की, लेकिन हमें सबको लेके चलना है, 10 बुद्धिजीवी है ना तो 10 जाहिलों को भी लेके चलना है, विष्णु विनोदम इसमें इस तरह का जो बयान आता है चाहे वो साध्वियों की तरफ से हो चाहे वो जिस तरह से हमारे नरसिम्हानंद जी सुना रहे थे वो बयान, मैं ये नहीं कहती धर्म में मैं जोड़ नहीं रही हूं, किसी हिंदू मुस्लिम में नहीं जाऊंगी सर, लेकिन हर लोग इस तरह का बयान दे देते, कोई कहते 5 करोड़ एक देश के नाम, एक सीमा के नाम और एक हम लोगों को दे दो और ऐसे, क्यों इस तरह की बयानबाजी, क्या नहीं लगता कि भ्रम की स्थिति इससे पैदा होगी, पूरी भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, ये लोग कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं भाई, कुदरत का खेल है, जो भी बच्चा पैदा होता है उसमें कहीं ना कहीं जान एक परमात्मा देता है, ये परमात्मा ये खुद बन गए, रावण बन गए, अब ये चाहते हैं कि स्वर्ग तक सीढ़ी लेकर के जाएं, तो क्या ये संभव है, क्या 2 बच्चे पैदा करो, क्यों भैया 10 करने में क्या दिक्कत है, बैलेंस करने का काम भी कुदरत का है, ये किसी
आम आदमी का नहीं है, ये अपने आप को भगवान समझ चुके हैं। फिर आप कॉन्ट्राडिक्ट नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, कॉन्ट्राडिक्ट बोल रहा है सर, कैसे सर, कैसे नहीं है, इसका मतलब आपका भगवान पे से विश्वास नहीं है। आप बताइए ना, आपको जीवित आप रखते हैं भगवान रखते हैं, पालनहार है, पालनहार को भी चैलेंज कर, मतलब बिल्कुल चैलेंज कर दिया, पालनहार भी चैलेंज कर दिया, ये तो वो बात सही ना कहीं, उस प्रकृति पे जिस प्रकृति का अपराधी खा रहे हैं उसको चैलेंज कर, अजगर को कौन खिलाता है, पंछी को, मतलब आप सबकी अपनी अपनी राय है, और सबकी अपनी अपनी सियासत है, आप तमाम गेस्ट, सब परमात्मा ने अपना कानून बना रखा, ऐसा नहीं है, सुन लीजिए एक मिनट, आप ही सोचेंगे बच्चों के बारे में जिनके खुद के बच्चे नहीं है। भागवत जी ने भी 2 महीने पहले कहा था कि औरत को केवल पति की सेवा करनी चाहिए, उस पे भी कानून बना दीजिए। अरे सर, ये तो सियासत है, ये सियासत है, अभी 2 महीने पहले लाले को सारी बोली कट रही है, गेस्ट हमारे लाले की कानून बना दीजिए कि औरत केवल पति की सेवा करे, आप शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सभी की अपनी अपनी राय हो सकती है। मोहन भागवत के बयान ने एक बार फिर से इसे हवा दे दी है, और अब लग रहा है कि आज सरकार का अगला मिशन परिवार नियोजन हो सकता है। तो यहाँ ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्ट विषय है, क्योंकि यहाँ कानून बनाने से ज्यादा जागरूकता की जरूरत है, और आप समझ लीजिए कि जब देश का हर नागरिक जागरूक हो जाएगा तो उसे खुद पता है उसके लिए बेहतर क्या है, इसके लिए कानून की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि कानून बनाने से चीजें सुधरती नहीं है, सुधरती जरूर है। यहां कहीं ना कहीं ये क्योंकि निजी जिंदगी से जुड़ा मामला है, तो सरकार को पहले माहौल देश में बनाने की जरूरत है, फिर आप कानून लाइए तो शायद उस कानून का पालन लोग खुशी खुशी करेंगे। इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ, दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए R9 TV सिर्फ खबर के लिए। सबसे पहले ये